हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करेजी जीएस अड्डा। आज हम आप लोग के लाए हैं जीएस बूस्टर का सेट नंबर 17। इससे पहले हम सेट नंबर 1 से लेके 16 तक अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वे सारे क्वेश्चन जो है उसमें हम बताए हैं जीएस बूस्टर में। तो फ्रेंड्स, उसमें हम अलग अलग विषय के भी क्वेश्चन बताए हैं, जैसे हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटिकल साइंस हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ। तो फ्रेंड्स, वे सारे सब्जेक्ट के हम जीएस बूस्टर बना के अपलोड कर दिए हैं चैनल पे, आप लोग जाके देख लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, आज का जीएस बूस्टर है हिस्ट्री से संबंधित, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नादिर शाह द्वारा बंदी बनाया गया मुगल बादशाह था। फ्रेंड्स, ये जो नादिर शाह जो था, ईरानी आक्रमणकारी था, जो ईरान से आया था, फारस से आया था, वह किस मुगल बादशाह को बंदी बना लिया था? फ्रेंड्स, आपको बताना है। ऑप्शन है फर्रुक शेर, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, शाहजहां। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मोहम्मद शाह को वह बंदी बना लिया था। यानी फ्रेंड्स, जब ये नादिर शाह आक्रमण किया था भारत में, यानी दिल्ली में 1739 में नादिर शाह आक्रमण किया था। फ्रेंड्स, ये कहाँ से आया था? तो ये फारस से आया था। फारस को अभी किस नाम से जाना जाता है? तो ये अभी ईरान के नाम से जाना जाता। फ्रेंड्स, ईरान को पहले फारस कहा जाता था। फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो ये ईरान से आया था नादिर शाह। कब आया था? 1739 ईस्वी में। उस समय मतलब दिल्ली में किसका शासन था? तो मोहम्मद शाह का शासन था। फ्रेंड्स, इसी ने मोहम्मद शाह को बंदी बनाकर यहाँ पे जो मतलब मयूर सिंहासन हुआ करता था, यहाँ से हीरे भी लूट के इन्होंने ले गया था। कौन? नादिर शाह। फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखिएगा। ये जो मयूर सिंहासन होता, फ्रेंड्स, हम इसके बारे में बताते हैं, बहुत ही अच्छे तरह से आप सुनिएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो मयूर सिंहासन है, इसका स्थापना अगर पूछेगा क्वेश्चन कि मयूर सिंहासन का स्थापना किस मुगल शासक ने किया था, तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा शाहजहां ने करवाया था मयूर सिंहासन की स्थापना। फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मयूर सिंहासन का स्थापना किसने किया, तो बेबादल खां ने मयूर सिंहासन की स्थापना किया था। फ्रेंड्स, किया था बेबादल खां, करवाया था कौन? शाहजहां। उस समय मुगल शासक कौन था? शाहजहां, जिन्होंने मयूर सिंहासन की स्थापना करवाया था। फ्रेंड्स, मयूर सिंहासन में क्वेश्चन पूछेगा कि कुल कितने शासक बैठे हैं मयूर सिंहासन पे, तो आपका आंसर होगा 8। कुल 8 शासक मयूर सिंहासन में बैठे थे। सबसे पहला शासक था कौन? शाहजहां। उसके बाद सबसे अंतिम शासक यही था कौन? मोहम्मद शाह रंगीला, जिनको नादिर शाह ने हराकर मयूर सिंहासन में जो हीरा लगा था उसको भी लूट के ये ले गया था। फ्रेंड्स, उसका जो आक्रमण किया था, उसका मुख्य उद्देश्य लूटना, यहाँ का धन लूट के अपने देश ले जाना। फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हम बता दिए, आप लोग बहुत ही अच्छे तरह से समझ लिए होंगे मयूर सिंहासन के बारे में। उसके बाद नादिर शाह कब आया भारत में, कहाँ से आया, अभी सारे क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे दी थी? फ्रेंड्स, ये आपको बताना है। ये जो मुगल शासक अकबर है, इन्होंने फरजंद की उपाधि किसको दी थी? ऑप्शन है बीरबल, तानसेन, राजा मान सिंह, टोडरमल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि राजा मान सिंह को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी। फ्रेंड्स, आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। ये राजा मान सिंह कौन था? अकबर के नवरत्न में से एक था। फ्रेंड्स, अकबर का जो दरबार में कुल 9 नवरत्न थे, यानी कितने नवरत्न थे? 9। और नव के मतलब नाम हम बता दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे 9 रत्न। पहला था टोडरमल, दूसरा राजा मान सिंह, तीसरा मुल्ला दो प्याजा, चौथा बीरबल, पांचवा तानसेन, छठा अब्दुल रहीम खाने खाना, सातवा फैजी, आठवा अबुल फजल, नवा फकीर अजियुद्दीन। तो फ्रेंड्स, ये 9 रत्न थे अकबर के दरबार में। फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछेगा कि और किस शासक के दरबार में 9 रत्न रहते थे? तो फ्रेंड्स, आपका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी 9 रत्न थे। फ्रेंड्स, आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह क्वेश्चन और बनता है, क्वेश्चन पूछेगा कि अष्ट प्रधान किसके दरबार में रहते थे और अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहते? तो फ्रेंड्स, अष्ट प्रधान रहते थे शिवाजी के दरबार में, अष्ट दिग्गज रहते थे कृष्णदेव राय के दरबार में। फ्रेंड्स, आप ये दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। अष्ट प्रधान शिवाजी के दरबार में, अष्ट दिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में। उसी तरह अगर नवरत्न पूछेगा कि किस किस शासक के दरबार में नवरत्न थे, तो अकबर के शासनकाल में नवरत्न थे और चंद्रगुप्त
द्वितीय के शासनकाल में भी नवरत्न थे फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखिएगा। अकबर के नवरत्न तो हम बता दिए, जो राजा टोडरमल थे ये अकबर के राजस्व मंत्री थे। राजा मान सिंह उसका सेना का सर्वोच्च सेनापति था, इसी को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी फ्रेंड्स। किसकी उपाधि दी थी? फरजंद की उपाधि दी थी फ्रेंड्स। और ये जो था तानसेन, तानसेन का बचपन का नाम क्या फ्रेंड्स? महेश दास। क्वेश्चन पूछता है कि तानसेन का बचपन का नाम क्या है? महेश दास था, जो वहाँ के मतलब संगीतकार थे तानसेन। और ये जो उसके बाद है अब्दुल रहीम खान, ये खाना ये बैरम खां के पुत्र थे, यानी कि बेटे थे फ्रेंड्स। बैरम खां किसका संरक्षण था? संरक्षक था। क्वेश्चन पूछेगा कि बैरम खां किसका संरक्षक था? तो ये अकबर जब बचपन थे, अकबर का जब मतलब बचपन में था, तो अकबर के बचपन में इनके पिता यानी कि अब्दुल रहीम खां ने खाना यानी कि रहीम के पिता जो बैरम खां थे, इन्होंने ही अकबर का संरक्षण किया था बचपन में फ्रेंड्स। इसी का मतलब बेटा था कौन? अब्दुल रहीम खां ने खाना। और उसके बाद अबुल फजल, अबुल फजल पता ही आपको। क्वेश्चन पूछेगा कि अकबरनामा का मतलब रचना किसने किया था? अकबरनामा किसने लिखा था? तो ये अबुल फजल ने ही लिखा था अकबरनामा फ्रेंड्स, आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है फ्रेंड्स? इन बताना आपको, ये जो चार स्थान है नालंदा, सोमनाथ, सारनाथ, बोधगया, ये चारों स्थान में से कौन सा स्थान ऐसा है जो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? अब तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सोमनाथ जो है ना ये बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, क्योंकि नालंदा में तो बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, जिसके कारण चीन से आए थे फाइयान, ह्वेनसांग, इतिसांग, ये सब बौद्ध धर्म के शिक्षा के लिए ही भारत आए थे, वो भी नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा लिए थे फ्रेंड्स। यानी कि इसका मतलब ये हुआ बौद्ध धर्म का संबंध था नालंदा से, सारनाथ से था ही, क्योंकि बौद्ध धर्म का जो मतलब स्थापना किया था गौतम बुद्ध, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में ही दिया था। उसके बाद बोधगया में तो उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी फ्रेंड्स। आप पता चल गया होगा कि नालंदा, सारनाथ, बोधगया तीनों का संबंध बौद्ध धर्म से था, लेकिन सोमनाथ का संबंध बौद्ध धर्म से नहीं था फ्रेंड्स। क्वेश्चन पूछेगा ये जो सोमनाथ मंदिर है, ये सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है और इसको किस शासक ने लूटा था, किस आक्रमणकारी ने लूट के ले गया था भारत से? तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात बता दें आपको कि ये सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है, तो ये गुजरात राज्य में है सोमनाथ मंदिर। और इस मंदिर को किसने लूटा था? तो ये मोहम्मद गजनवी जो थे, जो भारत में 17 बार आक्रमण किए थे, इन्होंने ही सोमनाथ मंदिर को लूट के ले गया था फ्रेंड्स, आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स? ये जो पानीपत का जो युद्ध हुआ था, टोटल तीन युद्ध था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो ये द्वितीय युद्ध कब हुआ था आपको बताना है। ऑप्शन है 4 नवंबर 1556 ईस्वी, 5 नवंबर 1556 ईस्वी, 6 नवंबर 1556 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था फ्रेंड्स। किसके किसके बीच हुआ था फ्रेंड्स? हम तीनों युद्ध बता दे रहे हैं। पहला युद्ध हुआ था 1526 में, किसके किसके बीच हुआ था फ्रेंड्स? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर का जीत हुआ था, इब्राहिम लोदी का हार हुआ था। उसी समय बाबर ने इब्राहिम लोदी का, जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी को, हरा कर भारत में मुगल वंश की स्थापना किया था। कौन? बाबर ने किया था। उसके बाद द्वितीय युद्ध हुआ था यही 1556 ईस्वी में, इसमें अकबर और हेमू के बीच युद्ध हुआ था, इसमें से अकबर ने जीता था और हेमू की हार हुआ था फ्रेंड्स। और तृतीय जो युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में, उसमें अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगान लुटेरा था, वो भारत आया था युद्ध के लिए, मतलब भारत को लूटने के लिए। तो तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। क्वेश्चन पूछेगा कि जो तृतीय युद्ध हुआ था उसमें मराठा का नेतृत्व किसने किया था फ्रेंड्स? आपको बताना है, यानी क्वेश्चन पूछेगा कि तृतीय युद्ध में जो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच जो युद्ध हुआ था, उसमें मराठा के तरफ से नेतृत्व किसने किया था युद्ध का? तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा सदाशिव राव भाव। अब इसे याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि तृतीय युद्ध में मराठा का नेतृत्व किसने किया था? तो सदाशिव राव भाव ने मराठा का नेतृत्व किया था, जिसमें फ्रेंड्स जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने यह युद्ध जीत लिया था और मराठा का बुरी तरह से हार हुआ था फ्रेंड्स तृतीय युद्ध में। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, हम तीनों युद्ध बता दिए हैं, 1526, 1556, 1761। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर रामचरितम के रचयिता कौन है फ्रेंड्स? ये जो कृति है, रचना है उत्तर रामचरितम, इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन है विल्हन, भवभूति, हेमचंद्र, जयदेव।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि भवभूति ने उत्तर रामचरितम के रचना की थी। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। और क्वेश्चन पूछेगा कि रामचरितमानस की रचना किसने किया था, तो ये तुलसीदास ने किया था। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने किया था। महाभारत की रचना वेदव्यास ने किया था। फ्रेंड्स आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 में सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो भारतीय इतिहास में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रथम युद्ध हुआ था, तो 1857 के ही मतलब युद्ध हुआ था। तो ये युद्ध 1857 में जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह था, जिसको हम सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, यह युद्ध कहाँ से शुरू हुआ था आपको ये बताना है। ऑप्शन है कानपुर, झांसी, ग्वालियर, मेरठ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि मेरठ से 1857 के सिपाही विद्रोह यानी कि स्वतंत्रता युद्ध शुरू हुआ था। कहाँ से? मेरठ से। फ्रेंड्स उस समय क्वेश्चन पूछेगा कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का उसमें वायसराय कौन था, तो ये लॉर्ड कैनिंग था भारत का वायसराय 1857 के विद्रोह के समय। फ्रेंड्स 1857 के विद्रोह को हम लोग सिपाही विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। कब हुआ था? 1857, 10 मई 1857 को हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? तो मेरठ से शुरू हुआ था। और उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो फ्रेंड्स इस युद्ध का मतलब बिहार से नेतृत्व किया था कौन? वीर कुंवर सिंह। कौन क्या था? वीर कुंवर सिंह। लखनऊ से क्या था? बेगम हजरत महल। कानपुर से क्या था? कौन? नाना साहेब तात्या टोपे। फ्रेंड्स दिल्ली से कौन क्या था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। फ्रेंड्स अब ये सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुलंद दरवाजा अकबर की किन पर विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि अकबर ने जो बुलंद दरवाजा बनाया था किस विजय के उपलक्ष्य में बनाया था, यानी किनको जीतने के बाद अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था। ऑप्शन है राजपूत, मारवाड़, गुजरात, डक्कन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि गुजरात को जीतने के बाद बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने फतेहपुर सीकरी जो कि उत्तर प्रदेश में है वहां पे करवाया था। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा कहां पे है? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। किसके जीतने के बाद? गुजरात को जीतने के बाद। ये सारे क्वेश्चन को आप लोग दिमाग में घुसा लीजिएगा। फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन का पिता किस वायसराय को कहा जाता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो स्थानीय स्वशासन है इसका जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है कैनिंग, रिपन, लिटन, करजन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि रिपन, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक यानी कि पिता कहा जाता है। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। तो फ्रेंड्स लॉर्ड रिपन के ही काल में 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम आया था। फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि प्रथम कारखाना अधिनियम किनके शासनकाल में आया था, तो ये लॉर्ड रिपन के काल में ही प्रथम कारखाना अधिनियम आया था। फ्रेंड्स आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद लॉर्ड रिपन को भारतीयों का उद्धारक कहा जाता है। फ्रेंड्स ये बहुत मतलब ये अच्छे वायसराय थे, इन्होंने भारत के लिए बहुत ही कुछ किया था। और जो जनगणना है हम लोग का, क्वेश्चन पूछेगा कि जो जनगणना होता है ये जनगणना की शुरुआत सबसे पहले किसके शासनकाल में हुआ था, तो फ्रेंड्स लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 ईस्वी में सबसे पहले जनगणना का शुरुआत हुआ था, जो कि फ्रेंड्स मतलब पूरा नहीं हो सका। फ्रेंड्स रेगुलर नहीं हो सका, मतलब कंटिन्यू नहीं हो सका, जिसके बाद 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही मतलब प्रत्येक हरेक 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना शुरू हुआ था। फ्रेंड्स किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के काल में 1881 ईस्वी में। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। लेकिन जनगणना की शुरुआत हुआ था 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, लेकिन वह नहीं मतलब चल पाया। उसके बाद 1881 ईस्वी में मतलब रेगुलर हरेक 10 वर्ष के अंतराल में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही शुरू हुआ था जनगणना। फ्रेंड्स आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव शिव है इस सिद्धांत का प्रचलन किसने किया। फ्रेंड्स ये जो मतलब सिद्धांत है कि जीव शिव है इस सिद्धांत का प्रचलन किसने किया था। ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, सहजानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन
डी यानी कि रामकृष्ण परमहंस ने जीव शिव है इसका सिद्धांत दिया था। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिए। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज का स्थापना किया था, उसके बाद मिरातुल अखबार हुआ, संवाद कौमुदी हुआ, ये सारी रचना किसका है? राजा राम मोहन राय। इसी इन्होंने ही मतलब सती प्रथा का मतलब अंत किया था। उस समय कौन था मतलब भारत का वायसराय? लॉर्ड विलियम बेंटिक, और ये राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही सती प्रथा का अंत हुआ था। फ्रेंड्स इसी को भारतीय पुनर्जागरण का जन्मदाता कहा जाता है। किसको? राजा राम मोहन राय को। इसका प्रमुख रचना कौन था? संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, ब्रह्म समाज की भी स्थापना इसी इन्होंने ही किया था। उसके बाद सहजानंद सरस्वती किसान सभा से संबंधित थे। उसके बाद दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किया था। फ्रेंड्स इसी ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। ये सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज के ये टॉप 10 क्वेश्चन यहीं पर खत्म हुआ। आई होप ये सारे क्वेश्चन पढ़ के आपको मजा आ गया होगा सच में। तो फ्रेंड्स अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।